एल्विश यादव की मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। सवालों के घेरे में फंसे एल्विश यादव अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए आजकल सोशल मीडिया पर खूब वीडियो भी पोस्ट कर रहे हैं, जिसमें वो अपने फैंस को इस केस में फंसाए जाने पर अपना पक्ष रख रहे हैं। इसी बीच एल्विश के लव लाइफ के टॉपिक को भी सोशल मीडिया पर खूब उछाला जा रहा है और उन्हें इसी बात को लेकर ट्रोल भी किया जा रहा है। एल्विश पर फिलहाल विदेशी लड़कियों को रेव पार्टियों में एंटरटेनमेंट के लिए बुलाने, ड्रग्स जैसी चीजों का पार्टियों में मंगवाने, सांपों के जहर का पार्टियों में इस्तेमाल करने जैसी चीजों में नाम सामने आया है और एल्विश से लगातार पुलिस भी पूछताछ कर रही है, जिसमें एल्विश पुलिस के साथ फुल कॉपरेट कर रहे हैं। बिग बॉस OTT सीजन 2 से निकलने के बाद से ही एल्विश कॉन्ट्रोवर्सी के घेरे में है और ये भी सच है कि एक मुकाम तक पहुंचने के बाद अब एल्विश धड़ से नीचे गिरते जा रहे हैं। लोग एल्विश की पर्सनल लाइफ पर गंदे कमेंट करने से बाज नहीं आ रहे हैं और अब एल्विश के फैंस को ये भी लगने लगा है कि एल्विश का दिमाग फेम मिलते ही खराब हो गया है, जिसकी वजह से अब एल्विश यादव सीधे मुंह बात नहीं करते हैं। एल्विश ने बिग बॉस घर के अंदर अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ ज्यादा तो नहीं बताया, लेकिन ये जरूर कहा कि बाहर मेरा कोई इंतजार कर रही है। और जब एल्विश यादव बिग बॉस के घर से बाहर आए तो कहा कि अब मैं सिंगल हूँ, मेरी लाइफ में कोई नहीं है, जिस पर लोगों ने तंज कसते हुए कहा कि एल्विश के अंदर एटीट्यूड आ गया है, वो अपने आप को बड़ा समझने लगे हैं, इसीलिए पुराने रिश्ते भूल चुके हैं। एल्विश पैसे कमाने में इतना व्यस्त हो गए कि उन्होंने कुछ रिश्तों में पानी डालना बंद कर दिया है, जिससे वो रिश्ते मुरझाए और मरते चले गए। चाहे वो रिश्ता एल्विश का अपने फैन से हो या फिर अपनी गर्लफ्रेंड से, शायद इसी का खामियाजा एल्विश को अब भुगतना पड़ रहा है और वो बिल्कुल अकेला महसूस कर रहे हैं। एल्विश की प्रोफेशनल लाइफ जहां मजेदार चल रही है, वहीं पर्सनल लाइफ में भूचाल आया हुआ है। एल्विश को उनके इसी कमिटमेंट इशू और एटीट्यूड की वजह से ही सोशल मीडिया पर ट्रोल होना पड़ रहा है और अब इस केस को उनकी पास्ट लाइफ से भी जोड़कर देखा जा रहा है।